बैंक अब करीब 24.25 रुपए हो चुका है शेयर, 17.5 से चलने के बाद 23.5 का हो चुका है शेयर। ध्वनि, मेरे को सिर्फ ये पता करना है कि क्या ट्रेडर्स को, पोजिशनल ट्रेडर्स को, स्विंग ट्रेडर्स को एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर अभी भी बने रहें। देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है टारगेट डबल का भी हो, लेकिन एक स्विंग ट्रेडर को, एक पोजिशनल ट्रेडर्स को लिए 30-35% का प्रॉफिट बहुत होता है 6-7 दिन के अंदर। बुक कर ले प्रॉफिट। जो इसका अपमूव आया है वो काफी एक सॉलिड अपमूव है। यहाँ पे जो गेन्स हो रहे हैं उस हिसाब से मेरी एक तरफ से यही सलाह रहेगी कि 23 पे नहीं तो एटलीस्ट 24-25 का लेवल बनता है येस बैंक में, जिसके अंदर हमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जब गिर के इसके बाद जो कंसोलिडेटेड मूव इसकी जो चली है इतने काफी टाइम से, उसका जो गैप बनता है वो गैप का क्लोजर यहाँ पे 24 के लेवल पे हो रहा है। तो एक बार 24 या 25 लेवल के बीच में इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके इसके अंदर से ट्रेडर्स को एग्जिट कर लेना चाहिए, भले ही इन्वेस्टर्स इसके अंदर और ऊपर के टारगेट्स के लिए बने रहे। धनी, रुशील डेकोर के चार्ट को आप जरा चेक करके रखिए हमारे लिए, हम वापस आएंगे, एक्साइड का चार्ट देख के बताएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक्साइड का अगर हम देख रहे हैं तो एक 3-4 दिन से यहाँ पे मोमेंटम जो है वो साइडवेज चल रहा है। इसका जो नेक्स्ट अपवर्ड लैग शुरू होता है तो हमें यहाँ पे 192 के ऊपर, आज के दिन की क्लोजिंग अगर हमें 192 या 194 की रेंज के ऊपर की तरफ मिल रही है तो जो कैंडल है वो उसकी अपर रेंज की 50% जो होती है उसमें क्लोज करेगी, तो कन्विक्शन ज्यादा बनता हुआ दिखेगा और करंट लेवल से इसके अंदर हम बाय कर सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो एक पोजिशनल ट्रेड बनेगा, 185 का आप इसमें स्टॉप लॉस रखिए। जो मोमेंटम है वो यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है 205.50 के लेवल तक। एक स्टॉक ध्वनि जरा चेक करिए, अभी 5 मिनट पहले एक ब्रेकआउट सा उसके अंदर एक बड़ी कैंडल नजर आ रही है, वो है पराग मिल्क। जब अभी ये जो चीज वाला ट्रांजेक्शन आया था ब्रिटानिया का, तब ये पूरे हेरिटेज फूड, पराग मिल्क, ये सारे एक्टिव हो गए थे स्टॉक्स, और अभी दिखाई दे रहा है कुछ और इसके अंदर एक्टिविटी है, जरा चेक करके बताएं। जी बिल्कुल, और इसके अंदर एक और बात नोटिस करने की ये रहेगी कि पिछले कुछ दिनों में इसके अंदर कोई भी एक मोमेंटम नहीं था। आज जो हम कैंडल देख रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है, 200 पीरियड और 50 पीरियड की एवरेजेस के ऊपर भी स्टॉक काफी अच्छी तरह से आज हमें क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक पोजिशन क्रिएट करी जा सकती है। इसका जो फर्दर मोमेंटम होगा तो 112 के ऊपर इसके अंदर हमें एक स्पॉट ऑफ मोमेंटम वापस से विटनेस करने मिलेगा, जिसका टारगेट जो है वो यहाँ पे 122 तक एक्सटेंड करा जा सकता है। नीचे इसके अंदर जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो 104 का स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूरी रहेगा, उसके बाद इसमें वापस से एक बेरिशनेस विटनेस करने मिलेगी, बट जब तक 104 का लेवल इसके अंदर इंटैक्ट है तब तक ये स्टॉक यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री बनाता हुआ दिखता है। इसी तरह न्यू फ्रेश वीडियो देखने के लिए शेयर अपडेट ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। बाय बाय एंड टेक केयर।